सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल गायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे Come on!
मेरे सभी
प्यारे देशवासियों और बहुत ही अति प्रिय टीएसडीसी परिवार के सभी सदस्य जो कि यहाँ पर उपस्थित है और जो सभी इस कार्यक्रम को लाइव हमारे सभी प्रोजेक्ट लोकेशंस पर देख रहे हैं, मैं अपने उन सभी टीएसडीसी परिवार के सदस्यों को अपने इस 73वें संविधान दिवस की बहुत 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 शुभकामनाएं देता हूं। ये संविधान दिवस महज एक औपचारिकता नहीं है, ये संविधान दिवस हमें बहुत सारी बातों के लिए सचेत करता है और एक ऐसा अवसर होता है जब हम जिस व्यवस्था में रह रहे हैं, जिस देश में रह रहे हैं, जिस देश की गोद में पल रहे हैं, जिस देश की गोद में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उस देश के बारे में बहुत ही शांत चित्त से ये समझे कि हमारे इस देश के प्रति और देश के अंदर जो व्यवस्था है उसके प्रति क्या क्या कर्तव्य है। आप सभी को बहुत विदित है कि 26 जनवरी 1950 को जब हम लोगों ने अपना संविधान स्वीकार किया था इस देश में, तो एक व्यवस्था लागू की गई थी देश के अंदर और ये तय किया गया था कि हम इस देश का शासन, इस देश का संचालन इस एक व्यवस्था जो कि एक संविधान जो कि बहुत ही पवित्र एक पुस्तक है हमारे देश के लिए, उसके अनुरूप चलाएंगे। जो भी व्यवस्थाएं, जो भी मापदंड, जो भी नियम कानून उस पुस्तक में लिखे गए थे, उस समय उस ग्रंथ में लिखे गए थे, आज 72 साल बाद हमें बहुत गर्व होता है कि हमने एक ऐसी यात्रा तय की है उस माध्यम से कि आज हम अपने देश के लिए इतना गौरवान्वित महसूस करते हैं कि कुछ चीजें, कुछ प्रगति, कुछ हमने जो अपने अचीवमेंट्स जो हासिल की है इस पीरियड में, अगर थोड़ा सा भी उसको हम देखें तो हमें ऐसा लगेगा कि हमने और देशों की तुलना में बहुत तीव्र गति से प्रगति की है। मैं बहुत पुराना इतिहास नहीं दोहराऊंगा, लेकिन पिछले 15-20 वर्षों में क्योंकि जितने भी यहाँ मेरे टीएसडीसी के लोग आज बैठे हैं, सबकी जो कार्यकाल है टीएसडीसी में, किसी का 30 साल है, किसी का 25 साल है, किसी का 20 साल है, सबने देखा है कि पिछले 20 वर्षों में, 25 वर्षों में देश ने बहुत ही ऊंचे दर्जे की प्रगति हासिल की है। आज से 20 साल पहले मैं याद करता हूँ कि सन 2000 या 2002 में हम ये कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि हम कोई भी टेक्नोलॉजी अपने देश में अपने यहाँ उत्पादन कर सकते हैं या उस टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर सकते हैं इतने बृहद स्केल पे। हम 20 साल पहले ये कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि हम 160 करोड़ लोगों को वैक्सीन अपने देश में उत्पादन करके लगा सकते हैं। हम 20 साल पहले ऐसी कोई भी चीज नहीं देख सकते थे जो बहुत अत्याधुनिक हो कि हम उसको बिना इंपोर्ट करे, बिना आयात करे अपने देश में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आज सन 2022 में हम ऐसी स्थिति में हैं कि हमने बहुत सफलताएं अर्जित की है, बहुत कामयाबी हासिल की है और उसके साथ साथ हमने अपने अंदर बहुत योग्यताएं हासिल की है। ये देश के
व्रत रूप में जो हो रहा है वो तो सबको विदित है। इसी के साथ साथ एक समानांतर अगर हम अपनी संस्था की भी बात करें जो कि 1988 में हम लोगों ने शुरू की थी एक बहुत ही छोटे स्तर पर, और उस समय भी एक व्यवस्था की जरूरत थी, एक संस्था के अंदर वो व्यवस्था लाई गई, उस व्यवस्था के अनुरूप कार्य शुरू किया गया और एक बड़ी लंबी यात्रा देश के साथ साथ टीएचडीसी ने भी शुरू की। और आज साल 2022 में हम सब लोग बहुत ही गौरव से साथ ये कह सकते हैं कि आज हम भी ऐसे संस्था है कि जिसको किसी भी परियोजना को बनाने के लिए रूस की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि जब हम टीवी का निर्माण कार्य शुरू कर रहे थे, सरकारी मीटिंगों में, बैठकों में और सरकारी स्तर पर एक बात होती थी कि भाई ये इतना बड़ा बांध है और इसको रूस की तकनीकी सहायता के बिना तो नहीं बनाया जा सकता, इसलिए वो सहायता बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ वित्तीय सहायता की भी बात होती थी उस समय कि भाई इतना पैसा कहां से आएगा। एक परियोजना के लिए पूरी भारत सरकार को यह सोचना पड़ता था कि इस परियोजना के लिए पैसा कहां से आएगा और इसकी तकनीकी सहायता कहां से आएगी। जब रूस से समझौता हुआ उसके बाद रशिया का डिसइंटीग्रेशन हो गया, पैसे के फ्लो वहां से बंद हो गया, भारत सरकार ने हिम्मत करके कहा कि नहीं, परियोजना तो हम बनाएंगे लेकिन अगर तकनीकी सहायता की जरूरत फिर भी पड़ेगी। 6 और 7 वर्ष अगले 96, 97, 98 तक वो तकनीकी सहायता वहां से आती रही। उसके बाद की जितने भी कार्य हैं वो देश में खुद अपनी संस्थाओं के माध्यम से किए, हम लोगों ने खुद अपने आप परेशानियों को झेला, खुद सीखा। उसका नतीजा ये हुआ कि आज टिहरी जैसी कई परियोजनाओं को करने के लिए टीएचडीसी ने कदम बढ़ा दिया है और उसमें किसी तरह की सहायता की जरूरत नहीं है। आपकी पूरी टीम वो इतनी सक्षम है कि अब टिहरी से बड़ी परियोजना बहुत जल्द हम शुरू करने जा रहे हैं और उसके लिए हम पूरी तरह से अपने कॉन्फिडेंस से भरपूर है कि हम उस परियोजना को बहुत ही अच्छे से पूरा करेंगे। ये उपलब्धि है, जैसे मैंने बताया, देश ने उपलब्धियां हासिल की है, साथ साथ आपकी संस्था ने भी उपलब्धियां हासिल की है। ये उपलब्धियां फिर वे उसी व्यवस्था का परिणाम है जो व्यवस्था से हम देश को चलाते हैं या अपनी संस्था को चलाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम अपने आप को समर्पित करते हैं देश के प्रति या संस्था के प्रति, तो उसका परिणाम किसी रूप में निकल के आता है। आपकी आपका जो देश है आज बहुत अच्छी वित्तीय स्थिति में है, आप सब जानते हैं, सब लोग रोज समाचार और न्यूज और टीवी चैनल्स देखते हैं और आपको पता लग गया कि हमारी इकोनॉमी, जो आर्थिक स्थिति है देश की, वो बहुत मजबूत है। आज हम $3 ट्रिलियन या 25 लाख करोड़ की इकोनॉमी बन गए हैं, जो कि अब से 15 वर्ष पहले या 10 साल पहले एक कल्पना मात्र थी। देश बहुत मजबूत स्थिति में है, आज ऐसी स्थिति है कि हम किसी अन्य देश के ऊपर निर्भर नहीं है। अभी मैंने आपको उदाहरण दिया, पहले ऐसा होता था कि कोई वैक्सीन किसी रोग के लिए अगर जरूरत होती थी तो हम अन्य देशों की तरफ देखते थे, पोलियो की वैक्सीन हमेशा हम इम्पोर्ट ही करते रहे। आज पहला ऐसा रोग, ऐसी डिजीज और उसकी पहली वैक्सीन हमारे अपने देश में बनी और हमारे अपने देश के लोगों ने लगाई, और ना केवल हमने लगवाई, हमने उसका निर्यात भी किया। तो ये तो मजबूत स्थिति देश की है, आर्थिक और तकनीकी स्थिति जो मजबूत है। इसके साथ साथ इसमें पल रही जितनी भी संस्थाएं
जिसमें से आपका टीएसडीसी भी एक है, उसकी स्थिति भी बहुत मजबूत होना आवश्यक है। और हम आज ऐसे पायदान पे खड़े हैं अपनी संस्था को लेकर कि इस वर्ष के बाद, सन 2022 के बाद, हर एक वर्ष में हम एक परियोजना कमीशन करेंगे। सन 2023 में आपका पीएसपी कमीशन हो जाएगा और आप 5,000 करोड़ का जो लागत उसमें लगी थी उसको कैपिटलाइज कर देंगे। सन 2024 में आपका खुर्जा परियोजना कंप्लीट हो जाएगी, उसके साथ साथ 16 पार्क कंप्लीट हो जाएंगे, कमीशन हो जाएंगे और हम 12,000 करोड़ का कैपिटलाइजेशन करेंगे। सन 2025 में हम 5,000 करोड़ की विष्णुगढ़ पीपल परियोजना का कैपिटलाइजेशन करेंगे, उसके साथ साथ कई अन्य 16 परियोजना का कैपिटलाइजेशन करेंगे। और सन 2026 ऑनवर्ड्स वो सारी परियोजना जिनको आज हम पौधा लगा रहे हैं, जिनको हम आज शुरुआत कर रहे हैं, वो सब सन 2026, 27, 28, 29, 30 ऐसे हर एक वर्ष में एक परियोजना का कमीशन करना है। ये आज मेरा सब लोगों से अनुरोध है, विनती है कि इस मजबूत इरादे के साथ हमें 2022 और 2023 में घुसना है और देखना है कि ये जो मजबूत स्थिति जैसी देश की है, ऐसी हम टीएसडीसी की इतनी मजबूत स्थिति कर दें कि हमारे पूरे जीवन के कार्यकाल में हमें टीएसडीसी के साथ हमेशा अपना सर ऊंचा करके रहें। इस कार्य को करने के लिए एक बात हमेशा ध्यान रखें, मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि इस संस्था जो टीएसडीसी की संस्था करने के लिए सबके पास एक बहुत सीमित समय है, ये समय अनंत नहीं है। हर एक कर्मचारी की रिटायरमेंट एज की डेट फिक्स है। आप बिल्कुल ये ना सोचे कि आपके पास बहुत समय है इसकी सेवा के लिए। जिस दिन सेवानिवृत्ति हो जाती है उसके अगले दिन हर कर्मचारी को यह आभास होता है, काश मेरे पास 2 महीने और होते तो मैं शायद सेवा कर पाता। आप हमेशा ये ध्यान रखें कि ये जो सीमित समय है, आपकी जो डेट निश्चित है सेवानिवृत्ति की, आज से लेके उस तारीख तक जो तारीख आपकी लिखी हुई है, एक एक दिन कोई ऐसा ना लगे आपको कि जिस भी रोल में आप इस संस्था की सेवा कर रहे हैं उस रोल से, अपनी सेवा से आप संतुष्ट ना हो। आप सुबह से लेकर शाम तक जब भी जो भी कार्य करें उसको ये सोचें कि आज का दिन मैंने भरपूर अपने संस्था की सेवा में लगाया जैसा कि मुझसे अपेक्षा की गई है। इसलिए ये जितने भी सीमित दिन हैं इनको झोंक दीजिए अपनी संस्था के लिए, इस समय बहुत सख्त जरूरत है। क्योंकि जो उड़ान हमने भरी है, उस उड़ान में आप सबका बहुत ज्यादा योगदान चाहिए, पहले से 2 गुना 4 गुना योगदान चाहिए। इसलिए ना केवल आपका आत्मविश्वास चाहिए, आपकी क्षमता भी 2 गुनी 4 गुनी होनी चाहिए। जो काम आप पहले एक दिन में करते थे आज उसको कोशिश करके करिए कि मैं घंटों में करूं। जो निर्णय पहले आप 4 दिन में लेते थे कोशिश करिए कि मैं उसे 1 दिन में लेके दिखाऊं। हम ही लोग हैं, हम ही आप लोग हैं जो व्यवस्था चलाते हैं। किसी भी चीज को रोक के मत बैठिए। आपके पास कोई कार्य आया, आपके पास हमेशा ये होना चाहिए इस कार्य को कैसे मैं तीव्र गति से करके और इसको आगे पहुंचा दूं, वो आपका योगदान है। क्योंकि जितना जल्दी आप निर्णय लेने में आप मदद करेंगे, आप सहयोग करेंगे, उतना टीएसडीसी संस्था के कार्य आगे बढ़ेंगे। नई नई परियोजनाएं खोली जा रही है, नए नए ऑफिस खोले जा रहे हैं, लोगों को भेजा जा रहा है। मैं आज आप लोगों को बता दूं, जैसे आप लोगों को सबको पता है कि हमने अरुणाचल में अपने कार्यालय खोल दिए हैं, क्योंकि 2 बड़ी व्यर्थ परियोजनाएं हम वहां शुरू कर रहे हैं और वो कार्य बहुत तीव्र गति से शुरू करने का मन है। परियोजनाएं और कंपनी को भी अलॉट हुई है, लेकिन चूंकि हमारे पास पीरी परियोजना को कंप्लीट करने का कमीशन करने का एक अनुभव था, भारत सरकार ने ये चीज के लिए टीएसडीसी को पिकअप किया कि ये 2 परियोजनाएं जो सबसे बड़ी परियोजनाएं हैं वहां पर और सबसे सुगम इलाके में है,
उसका कार्यभार टीएसडीसी को दिया जाए। वहां पर जो भी कर्मचारी जा रहे हैं या जाएंगे, मैं उनको उनके जज्बे को सलाम करता हूं और मैं उनको ये मानता हूं कि उन्होंने अपने इस संस्था के लिए जो आगे आगे अपना अपना मंतव्य जाहिर किया और अपना सब कुछ जो देने की एक जो इच्छा जाहिर की, हम सबको हमेशा दिमाग में रखेंगे और कोशिश करेंगे कि उन सभी कर्मचारियों के प्रति जो भी हम बेस्ट कर सकते हैं टीएसडीसी की तरफ से वो किया जाए। एक और बहुत बड़ा कार्य हम राजस्थान में भी शुरू करने जा रहे हैं, जहां भी ये कार्यालय भी बहुत शायद रिमोट लोकेशन में होंगे, क्योंकि जो भी परियोजनाएं हैं वो ज्यादातर रिमोट लोकेशन में है। वहां के लिए भी जो भी आप लोगों की नियुक्ति होगी, जिन भी कर्मचारियों या अधिकारियों की नियुक्ति होगी, मेरा हाथ जोड़ के सबसे निवेदन है, कृपया करके पूरे भरे पूरे खुश मन से जाए, खुशी मन से जाए कि आपको मौका मिला है इस संस्था की सेवा करने के लिए। वो जो निश्चित समय जिसकी मैं बात कर रहा हूं, इस निश्चित समय का भरपूर उपयोग करें और बुझे हुए मन से कोई ना जाए, क्योंकि एक ऐसा अवसर है कि जो हर एक को हर समय नहीं मिलता है। इसके अलावा दो अन्य राज्य, वहां भी बहुत ही एडवांस स्टेज में बात चल रही है, क्योंकि भारत सरकार का ये कहना है और ये मानना है कि टीएसपीज जो पंप स्टोरेज प्लांट होते हैं देश में, अब उनकी बहुत जरूरत है और वो ऑलमोस्ट हर स्टेट में 4 या 5 बन गए हैं और उसको लीड करने के लिए टीएसडीसी आगे आए, ये भारत सरकार का मंत्रव्य है, उन्होंने तय कर दिया। इसी के अनुरूप महाराष्ट्र, केरला और आंध्र प्रदेश, तीनों में हमने बहुत एडवांस स्टेज पर अपनी बातें कर ली हैं। कोशिश करेंगे कि जो 4 राज्यों में आज हमारी परियोजनाएं चल रही है, सन 2022 के अंत में कम से कम 8 राज्यों में हमारी परियोजनाएं, ये सब आप लोगों के सहयोग के बिना संभव है। इसलिए जो मेरा टीएसडीसी 1700 लोगों का परिवार है और इसके अलावा जो भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से इस संस्था के साथ जुड़े हैं, तो अगर टोटल बनाया जाए तो कम से कम 4,500-5,000 परिवारों का परिवार है। आप सब लोग मन से इसमें अपना सर्वस्व डालें, अपनी सारी भावना डालें, अपनी पूरी मेहनत डालें और देखते हैं कि जो एक उद्देश्य हमने अपने सामने रखा है कि सन 2022 के बाद हर वर्ष एक परियोजना, बड़ी परियोजना हम लोग कैपिटलाइज करें। कर्मचारी हित की बहुत सारी चीजें आती रहती थी बीच में, अभी भी आती रहती है और आती भी रहेंगी, क्योंकि समस्याएं हैं जीवन के साथ लगी है और जितनी भी समस्याएं आती रहेंगी और उनका जो भी विश्लेषण करके जो भी बेस्ट हो सकता होगा और जो भी इस इंडस्ट्री में बेस्ट कहीं पे मिल सकता होगा वो मेरे टीएसडीसी परिवार के सदस्यों को मिलेगा, ये मैं आज आपको इस दे। उस तरफ से आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, आपका अपना व्यक्तिगत हित, आपके परिवारों का हित देखना आपके टीएसडीसी प्रबंधन जो प्रबंधन है उसकी जिम्मेदारी है और वो प्रबंधन भली भांति इसको समझता है। बहुत सारे निर्णय आपके बिना कहे, आपके बिना समझे इसलिए किए जाते हैं क्योंकि इंसान इंसान की भावना को समझता है और अगर उस रूप से इंसानी रूप से किसी चीज को देखा जाए तो हर चीज समझ में आती है। इसलिए वो कोशिश हमेशा जारी रहेगी, वो प्रयास हमेशा रहेगा, उस तरफ से आप लोग इन सबको करने की क्षमता रखते हैं और ये हम कर पाएंगे। ये बड़े बड़े कार्य हैं, इनको करने के लिए आपको स्वस्थ मन और स्वस्थ तन की बहुत सख्त जरूरत है। कोशिश करें कि अपने तन को स्वस्थ रखें, थोड़ी बहुत बीमारियां हर स्तर में होती है उसको बार बार ध्यान करके अपने आप को अपने मन को बुझाएगा। कोशिश करें कि जितना भी आप अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, जिस भी तरीके से रख सकते हैं, जो भी आप चाहते हैं वो जरूर रखें। टीएसडीसी प्रबंधन की तरफ से भी इस तरह के प्रयास किए जाते रहेंगे
हमेशा आगे, और स्वस्थ तन और स्वस्थ मन दोनों अगर रहेंगे तो आपकी क्षमता 2 गुनी से 4 गुनी बहुत जल्दी बढ़ेगी। स्वस्थ मन करने के लिए अपने विचारों को शुद्ध रखें, कोई भी नकारात्मक विचार को जन्म ना लेने दें। कोशिश यही करें जो मैंने आपको बताया है कि जो सीमित अवधि के लिए आप हम लोग परिवार में एक दूसरे के साथ जुड़े थे उसमें प्यार मोहब्बत से रहे, क्योंकि इस अवधि के बाद जैसे ही आप इस परिवार को छोड़ के जाएंगे, कोई संबंध किसी तरह का किसी से नहीं रहेगा, इसलिए किस बात का भेदभाव और किस बात की एक दूसरे से परेशानी। इसलिए अपने मन को बहुत ही साफ सुथरा निश्चल रखें, जितना आपका मन निश्चल होगा उतना स्वस्थ होगा। विचारों को, अच्छे विचारों को जन्म दें, अपने साथ जो आपके कार्य करने वाले लोग हैं उनको सहयोग की भावना से देखें, उनके साथ सहयोग करें, एक कदम अपनी तरफ से आप बढ़ाएं और कोशिश करें और उसको अवसर दें कि दूसरा आदमी 2 कदम आपके लिए बढ़ाएगा। इस तरह की भावना को एक परिवार के रूप में जन्म दें, जिससे हम जो बड़े बड़े कार्य हैं हमारे सामने उनको और अच्छे से और सही तरीके से कर पाए। मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है कि इतना बड़ा परिवार PSDC का आज हमारा देश का जो बहुत बड़ा पर्व है, रिपब्लिक डे का पर्व है, उसको सब प्रोजेक्ट लोकेशन से इतने भव्य तरीके से मना रहा है। मैं आप सभी को इस संविधान दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जय हिंद।